वेलकम बैक टू फादर यक्ष, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपको बताया है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ से दोबारा जा रहा है। नेपाली लोग ये कह रहे कि सेक्युलर करने के बाद हमें क्या मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें दोबारा से राजशाही पद चाहिए और हमें दोबारा वही गवर्नमेंट उसी तरीके से चाहिए। आइए देखते हैं कि क्या नेपाल सच में हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है। नेपाल बिकमिंग द फर्स्ट हिंदू राष्ट्र इन द वर्ल्ड। नेपाल जिस समय चाइना, अमेरिका और भारत जैसी तीन महाशक्तियों का अखाड़ा बनता जा रहा है, ठीक उसी समय नेपाल ने एक बड़ा खेल करते हुए दुनिया को हैरान कर दिया है। और दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कहे जाने वाले नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो गई है। और आपको बता दें कि 2006 के जन आंदोलन में नेपाल की राजशाही को खत्म किए जाने के बाद नेपाल को 2008 में एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया था, क्योंकि राजशाही के दौरान नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। लेकिन अब अचानक एक बार फिर से नेपाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। दरअसल नेपाल में आम चुनावों के लिए प्रचार तेज होता जा रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक से बढ़कर एक वादे कर रही हैं। और इन्हीं राजनीतिक पार्टियों में एक दक्षिणपंथी पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी भी है। और इसी राजनीतिक पार्टी ने एक बार फिर से नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा किया है। और मजे की बात देखिए, चाइना के पड़ोसी और नेपाल के कट्टरपंथी नेता केपी शर्मा ओली ने संकेत दिए हैं कि नेपाल को वो हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और केपी शर्मा ओली एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। और वादा किया गया है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाकर राष्ट्रपति का सीधा जनता से चुनाव कराया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाली सेना के पूर्व जनरल रुकमाउर गढ़वाल ने भी नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान चलाया था। और गढ़वाल 2006 से 2009 के बीच नेपाली सेना के प्रमुख रह चुके हैं, क्योंकि दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल के अंदर 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि नेपाल को जब भी एक हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत होती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी जिक्र शुरू हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी का मुख्यमंत्री बनने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने साल 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री रहे सुशील कोइराला को एक पत्र लिखा था। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो इस पत्र में लिखा था उसे जानकर सारी दुनिया हैरान रह गई थी। और इस पत्र के अंदर लिखा गया था कि वो अब समय आ गया है कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। और फिलहाल ये बात तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कई बार ऐसी मांगे उठ चुकी हैं। और फिलहाल आप लोग बताइए कि हिंदुस्तान को भी एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए या फिर नहीं। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी, काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा भी रहा है और नहीं भी जा रहा। अगर जाने की तरफ कर सकते हैं तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो केपी ओली शर्मा पार्टी थी और ये दूसरी पार्टी जो थी वो काफी पावर में आ रही है, लोगों का मानना ये है। और लोग भी ये कह रहे कि यार हमें राजशाही पथ वाली या हिंदू नेशन वाली जो चाहिए वो जरूर इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।